एक्वा स्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वा स्टार ईपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वा स्टार। नमस्कार, न्यूज आप तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आर्या। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर लेवल 7 पद की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से नहीं की जा रही है और ऐसे में उनका आरोप है कि बिना मेरिट अंकों के ही विभाग द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवारों का कहना यह भी है कि परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों का अंक भी साझा करना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके कि किसे कितना अंक मिला है, लेकिन विभाग ने बिना अंक के ही मेरिट सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि 4 मई 2023 को वन विभाग का फॉरेस्ट रेंजर लेवल 7 के तहत 3 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। वहीं इसके बाद इस पद के लिए 21 अगस्त से 10 सितंबर तक सभी विभिन्न वर्गों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के माध्यम से कुल 45 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें 18 दिसंबर को सभी उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया। 27 दिसंबर को बिना अंकों के ही मेरिट सूची निकाल दिया गया है। उम्मीदवारों का कहना है कि मेरिट सूची में अभ्यर्थियों का अंक भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों ने कितना अंक हासिल किया है। वहीं अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ करने की मांग कर रहे हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।